नमस्कार, प्राइम चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। और चुनावी माहौल है, ऐसे में सभी पार्टियां अपने लक्ष्य को साधने में लगी हुई हैं। लक्ष्य है चुनाव 2022 विधानसभा चुनाव, जिसके लिए बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो या फिर कोई भी अन्य दल हो, सभी चुनावों में अपनी जान झोंक रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी टक्कर अगर बीजेपी को कोई दे रही है तो वो है सपा, क्योंकि पूरे जोर शोर से हर जिले में अपनी यात्राएं कर रही है। और इसी चर्चा में हम सपा से, जो कि आगरा से समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक पंडित मधुसूदन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, जो हमारे साथ इस चर्चा में सहयोग देंगे और हम उनसे जानेंगे कि कैसा है आगरा का माहौल। तो मधुसूदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस प्राइम चर्चा में। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त आगरा में कैसा माहौल है चुनावी। देखिए, समाजवादी पार्टी सर्व समाज लेकर के चलती है, सर्व समाज का सम्मान करती है, और जो समाजवादी पार्टी कहती है पूरा करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग करनी और कथनी में अंतर होता है। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी विकास की बात करते हैं, सर्व समाज को जोड़ने का काम करते हैं। जनता ने 2012 से और 2017 तक का 5 साल का कार्यकाल देखा है। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वांगीण विकास हुआ। एक्सप्रेस वे जैसे हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आगरा से लेकर के लखनऊ तक, और आगरा के अंदर शहर के अंदर हजारों करोड़ रुपया समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगाया जी। और आज आगरा में ब्राह्मण से लेकर के बार्मिक तक, हिंदू से लेकर के मुसलमान तक एक बदलाव चाहते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कार्यकाल देखा है, माननीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व देखा है। बगैर भेदभाव के सर्व समाज का विकास किया है और सर्व समाज का सबको सम्मान दिया है। आज किसान, व्यापारी, गरीब, मजदूर, छात्र सब लोग ये चाहते हैं कि सर्व समाज को जो सम्मान देता है, तो माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो समाजवादी पार्टी की सरकार मिला था, और समाजवादी पार्टी की सरकार सर्वांगीण विकास का वादा करते हैं कि सर्वांगीण जी। मधुसूदन जी, इस बार चुनावी जो माहौल है उसमें आपके मुद्दे क्या क्या हैं? देखिए, किसान जिसको फसल का उचित मूल्य नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों से वादे किए थे, उनको गुमराह करने का काम किया था। फसल का उचित मुआवजा देने का वादा किया था, किसान के साथ सर्वांगीण विकास करने का वादा किया था जी। लेकिन प्रदेश का किसान आज छटपटा रहा है, किसान के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों की हत्याएं हो रही हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं। किसानों को लेकर के जो व्यापारी ये चाहता था, व्यापारी को ये भारतीय जनता पार्टी लोगों ने गुमराह किया था कि हम व्यापारियों का सम्मान करेंगे, व्यापारियों के टैक्स तमाम तरह की छूट देंगे, लेकिन आज व्यापारी दुकान पर रो रहा है जी। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्पीड़न व्यापारियों के साथ किया है, चाहे वो जीएसटी हो, जीएसटी से लेकर के तमाम टैक्स लगाए हैं, आज व्यापारी बहुत दुखी है। छात्रों को न्याय नहीं मिल रहा है। कोरोना काल में आम आदमी, गरीब, किसान की कमर टूट गई है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लोग, हजारों लोग, लाखों लोग कोरोना काल में मर गए, जिनका इलाज नहीं हुआ था जी। और बेड इन पे पैदा नहीं हुई, ऑक्सीजन इन पे पैदा नहीं हुई। ये विकास की बात करते हैं, विकास इन्होंने विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया जी। आज सब जाति के लोग, सब समाज के लोग, सब लोग ये त्राय त्राय कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में लोग दुखी हैं।
मधुसूदन जी, जो आगरा है उसकी जनता क्या चाहती है, क्या बदलाव चाहती है? अगर बदलाव चाहती है तो उत्तर प्रदेश में बदलाव की जिम्मेदारी और जो उसके दायित्व है, क्या सपा उसको निभा पाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी की नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 5 साल का कार्यकाल देखा है जनता ने, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए और उत्तर प्रदेश में सर्वांगीण विकास हुआ, जो रोड की समस्या रही हो, जी शिक्षा के क्षेत्र में हो, सर्वांगीण आगरा में ही विकास हुआ है। माननीय अखिलेश यादव जी की जो सरकार में विकास हुआ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कहीं भी कोई ऐसा काम बता दें जो विकास के नाम पर बोलता हो। जी माननीय अखिलेश यादव जी के कामों का शिलान्यास कर रहे हैं, जो उन्होंने काम किए थे उन पर दोबारा पटकाएं लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का ये काम। जी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सपा के कार्यकाल में आगरा में कितना विकास किया गया था, क्या कुछ नया शुरुआत करी गई थी? देखिए, मैंने कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आगरा जनपद के अंदर एक्सप्रेस वे से लेकर के, जी, साइकिल ट्रैक से लेकर के, शिक्षा के क्षेत्र में लेकर के, सड़कों के विकास के लेकर के, जी, सिंचाई की समस्या को लेकर के, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य सेवा भी एम्बुलेंस भी समाजवादी पार्टी की सरकार में चलाई गई थी, जो कि आज कोरोना काल में काम में आ रही है। जी, हॉस्पिटल भी बनाए गए आगरा जनपद में, कई हॉस्पिटल 100-100 बेड के बनाए गए, वो आज काम में आ रहे हैं। बिल्कुल, इन्होंने कुछ नाम, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जीरो कोई भी विकास काम नहीं किया है, अफवाह फैलाने का काम किया है, जाति दंगा कराने का काम किया है, इन पर कोई काम नहीं है, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है, धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम किया है, और इन्होंने कोई काम नहीं किया कि विकास के नाम पर कोई नहीं, रोजगार के नाम पर कोई, युवा भी परेशान है। इन्होंने हजारों लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा दिया था, लेकिन युवा आज कमर टूट गई है, युवा रोडों पर है। जी, मधुसूदन जी, जिस तरह से आज गृहमंत्री अमित शाह आए थे लखनऊ, और अब धीरे धीरे सितारे जितने भी बीजेपी के, जितने भी स्टार प्रचारक है, सब उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे, तो इसको लेकर अब सपा की क्या तैयारी है? देखिए, समाजवादी पार्टी सबका विकास, सर्वांगीण विकास, सब धर्म का विकास, सब जाति का विकास जी के नाम पर, और जो कहती है वो करती है। जी, आज जनता माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल को याद कर रही है और ये कह रही है कि हमारा विकास हो सकता है, किसान का भला हो सकता है, व्यापारी का भला हो सकता है, छात्रों का भला हो सकता है, युवाओं का भला हो सकता है, गरीब का भला हो सकता है, तो समाजवादी पार्टी में होगा। जी मधुसूदन जी, जिस तरह सपा के कार्यकाल में सबसे पहले लैपटॉप बांटे गए थे, और अब देखा जा रहा है कि सभी विपक्षी पार्टियां हो या फिर सत्ताधारी पार्टी हो, सभी लैपटॉप से लेके मोबाइल से लेके टैबलेट तक, स्कूटी तक बांटने के दावे और वादे कर रहे हैं। वहीं हमने एक बार फिर देखा कि अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटा, तो क्या कहेंगे इस पे, कितनी मदद मिलेगी अगर इस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी? दावे वादे सब करते हैं। जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटे, तो आप प्रैक्टिकल है, बांटे थे, आज काम में आए लैपटॉप, जी, आज युवाओं के काम में आ रहे हैं। करनी और कथनी में बहुत अंतर है। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं वो करते हैं, और भी योजनाओं के साथ जो भी उनके वादे हैं, जो भी उत्तर प्रदेश के लिए जो आज जनता सपना देख रही है और ये चाह रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व होगा वो कुशल नेतृत्व होगा और समाजवादी पार्टी में हर वर्ग, हर समाज को निजात मिल सकती है, ये जनता चाह रही है। चाहे रोड पे हो, चाहे चौराहे पे हो, चाहे दुकानों पे हो, चाहे रेलगाड़ियों में हो, चाहे बस स्टैंडों पे हो, आज ये चर्चा है, आम चर्चा है कि आज जो अखिलेश जी का नेतृत्व जो उन्होंने देखा है, याद कर रहे हैं लोग। इस सरकार में तमाम जघन्य अपराध हुए, हत्याएं हुई,
लूट हुई, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, जघन्य जैसे अपराध जी इन्होंने वादे किए थे कि हम अपराध खत्म कर देंगे, लेकिन अपराध बढ़े हैं और ये आपके सामने। मधुसूदन जी, बीजेपी का कहना है कि इतने सालों की जो खराब व्यवस्था उसको सुधारने में वक्त लगेगा, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कहने को तो कुछ भी कहें, लेकिन प्रैक्टिकल को प्रमाण, साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है जी। पूरे 5 साल हो गए, इन्होंने गुंडागर्दी खत्म करने का वादा किया था, किसानों के 15-15 लाख रुपए उनके खाते में डालने का वादा किया था जी, सब झूठे वादे रहे, कोई विकास नहीं हुआ। आगरा जनपद की कोई भी ऐसा विकास बता दो कि भारतीय जनता पार्टी ने ये विकास के नाम पे ये काम किया है जी। हम तमाम काम बता देंगे समाजवादी पार्टी की सरकार का, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। मधुसूदन जी, बसपा भी ये कहती रहती है कि बसपा के काम को ही पहले सपा ने फीते काटे और अब बीजेपी फीते काट रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देख लिए सामने आपके, ये सच्चाई और झूठ तो सामने है। 5 साल के कार्यकाल में जी एक्सप्रेस वे जो बनाया, इसमें 18,000 करोड़ रुपया लगा, ये आपके सामने है। ये समाजवादी पार्टी की देन है, जो आगरा से लिख लो 3.5 घंटे में आदमी पहुंच जाता है जी। ये समाजवादी पार्टी की सरकार देन है, माननीय अखिलेश यादव की, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की देन है, ये आपके सामने है। ये सबसे बड़ा विकास है, 18,000 करोड़ रुपया लगाया, 500 करोड़ रुपया इस आगरा में ताजमहल के आसपास सौंदर्यीकरण की लगाया, पर्यटन क्षेत्र में लगाया, शमशाबाद से राया खेड़ा से शमशाबाद और आगरा तक ये मार्ग जो चौड़ीकरण हुआ है जी। आगरा से कचोरा घाट तक चौड़ीकरण हुआ है, 1,000 करोड़ रुपया लगाया, ये आपके सामने मैं बता देना चाहता हूँ आपको। और आपको एक और बताऊं कि जो पॉलिटेक्निक कॉलेज प्यारा ब्लॉक में गांव कोलारा में बनाया, उसमें 15 करोड़ रुपया लगाया, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनौती किया है, बिल्डिंग खड़ी हुई है। ये सरकार का पैसा लगा है, जनता का पैसा लगा है। अगर आप ये कॉलेज बना देंगे और आप स्टार्ट नहीं करेंगे जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्टार्ट ही नहीं हुआ, चालू भी नहीं हुआ है, प्रारंभ नहीं हुआ जी। मधुसूदन जी, युवाओं के लिए तो काम करती दिखी है सपा, जैसे पहले लैपटॉप बांटे थे, अभी भी लैपटॉप का वितरण किया गया है, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किए जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? देखिए, महिलाओं का सम्मान हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है जी। महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है और किया है हमारी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जी। महिलाओं को जो सम्मान मिला है वो सर्वोपरि है और मिला है और मिलेगा। आने वाले चुनावों में कितनी सीटें देने की उम्मीद है महिलाओं को? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है जी, माननीय अखिलेश यादव जी जो फैसला लेंगे, वैसे सर्व हम आपको बता दें कि महिलाओं को सम्मान बहुत अच्छी तरह से किया जाएगा और ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, माननीय अखिलेश यादव जी जैसा कहेंगे वैसा हम उनके आदेश का पालन करेंगे जी। जिस तरह से सभी दल यात्राएं कर रहे हैं, अलग अलग वर्ग को साधने के लिए सम्मान समारोह किए जा रहे हैं, सपा भी कुछ इस तरह से करती हुई नजर आ रही है, तो इसके पीछे क्या मकसद है? क्या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट मांगने की कोशिश है या फिर विकास के मुद्दे को लेकर चलेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर वोट नहीं मांगती है। समाजवादी पार्टी सर्व समाज लेकर के चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है लड़ाने का, हिंदू से हिंदू को लड़ाने का, मंदिरों के नाम पर लड़ाने का जी। ये समाजवादी पार्टी का काम नहीं है। समाजवादी पार्टी सभी धर्म और सभी समाज को लेकर के साथ चलती है, इसका नाम समाजवादी पार्टी जी।
मधुसूदन जी, आप आगरा के वाई विधानसभा विधायक भी रह चुके हैं और जिस तरह से जिला अध्यक्ष हैं, तो उसको लेकर आपकी क्या विचार हैं? आने वाले समय में अगर आपकी सरकार बनती है तो किस तरह से काम करेंगे अपने जिले के लिए और राज्य के लिए? सपा किस तरह से काम करेगी? देखिए, आगरा में 9 विधानसभा सीटें हैं जी, और इसमें 6 ग्रामीण अंचल में है, 3 शहर में है। तो हम लोग जा रहे हैं और पूरी तैयारी हमारी जनता के बीच में जा रहे हैं, देहात में भी जा रहे हैं, बाहर से लेकर के खीरागढ़, फतेहपुर सीकरी, ग्रामीण एतमादपुर शहर की विधानसभाओं में हमारा दौरा हो रहा है। और जो भी समस्या है हम जो है नोट कर रहे हैं, जो भी समस्या है किसानों की, गरीबों की, किसानों की, युवाओं की, हम अपनी समस्या बताएंगे जी और हम उनकी पूरी समस्या का निराकरण कराएंगे। आम जनता के बीच कैसे पहुंचेंगे और जो सरकारी सुविधाएं हैं या फिर मौजूदा वक्त की सरकार से जो लोगों के बीच नाराजगी है उसको दूर करने के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, आपके सामने आगरा जनपद में कई जघन्य अपराध हो गए। अभी एक हत्या हुई है अरुण वाल्मीकि की, इस सरकार में पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई। हम लोग उस दिन से, हत्या हुई है, उसके परिवारिक जनों को शोक संदेश उसी दिन से दे रहे हैं, उनके कंधे से कंधा उनके साथ लगा के चल रहे हैं और ये आश्वासन दिया है माननीय अखिलेश यादव जी ने विपक्ष में जी होते हुए भी 10 लाख रुपए की राशि उन्हें दी है और ये वादा किया है कि जब भी हमारी सरकार बनेगी जो भी उचित मुआवजा और दे सकती है सरकार में, सरकार में न होते हुए 10 लाख रुपया देना और भी कंधे से कंधा लगा करके चले कि इन्हें पूरा, इनके साथ अन्याय न्याय मिलना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और हम उनके साथ खड़े, किसानों के भी साथ हम खड़े हैं। किसानों की जो भी समस्या है हम लोग उनकी पूरे समाजवादी पार्टी उनके हित में खड़ी है जी। और एक साल होने जा रहा है किसानों को इस भारतीय जनता पार्टी के कान पे जूनी रहेगी, उनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ है, लाठियां पड़ रही हैं, लोग आहत हैं, उत्पीड़न हो रहा है किसानों का, कुचले गए किसान, कुचले गए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और ये बर्बरता जो हुई है वो किसानों के साथ कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान के हित की बात नहीं करते। तो किसानों के हित की बात सपा सबसे ज्यादा करेगी जी। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जनता को आप क्या संदेश देने चाहेंगे, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो किन आधार पर जनता को चुनाव में अपना मतदान करना चाहिए? देखिए, किसान विरोधी सरकार है, किसानों के हित में, व्यापारी के हित में, युवाओं के हित में, गरीबों के हित में, दलितों के हित में ये सरकार काम करेगी जी। और जो भी विकास, जो भी जिस चीज की जरूरत है, विकास की जरूरत है, उसकी समस्या का निराकरण करेगी जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और हमारे साथ चर्चा के लिए। फिलहाल इस प्राइम चर्चा में इतना ही। आज हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक पंडित मधुसूदन शर्मा, जो कि आगरा वाये विधानसभा से विधायक हैं। तो अगले अंक में, यानी कि अगले भाग में, हम किसी और नए मेहमान के साथ जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे चुनावी मुद्दों पर। तब तक के लिए नमस्कार।